अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है, सहर नहीं होती है या सो जाते हैं कोई, तो उसका कैसा रोज़ा रखे? भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई इंसान सहर नहीं कर पाता या सो रहा है सहर के बाद क्या करें। तो याद रखिए, रमज़ान के रोज़ों के लिए या गैर रमज़ान के नफली रोज़ों के लिए सहर फ़र्ज नहीं है, सहर शर्त नहीं है, सहर सुन्नत है, सहर मुस्तहब है। तो अगर आपकी सहर छूट गई किसी वजह, सोने से, गफलत से, आप किसी प्रोग्राम में थे, किसी काम में थे और अरे सायरन बजाओ याद आ रहे में होता है ना कभी, जैसे आप तिलावत कुरान में लग गए, कोई नमाज में लग गया और वो भूल ही गया सहर का वक्त, है ना, अब आ गया, तो सहर कोई शर्त या फ़र्ज़ नहीं है। आप बग़ैर सहर के रोज़ा रख ले। बहुत से लोग गलत फहमी होती है कि सहर शर्त है, फ़र्ज़ है। बहुत से लोग मैंने देखा, लोग 7 बजे रोज नींद में से उठे, दिन में मतलब, और 7 बजे उठ के लरे अब तो सहर का वक्त, मतलब दिन निकल गया, लेकिन सहर चूंकि उनके नज़दीक रोज़े के लिए फ़र्ज़ थी, 7 बजे पानी वानी पी रहे, खाना खा रहे और फिर सो जाने वाले, और कई सालों तक रोज़े रख रहे ऐसे। जबकि हिंदुस्तान में 7 बजे जो है ये इफ्तार किसी भी दौर में नहीं रहता, मतलब वो होता ही नहीं टाइम सूरज निकलने का। गर्मियों में भी जो, सर्दियों में भी जो टाइम होता है वो 6:40 तक होता है, ज़्यादा ज़्यादा 7 तो होता ही नहीं किसी भी हाल में, समझ रहे हैं बात। और जो हमको सहर करना है वो सुबह सादिक से पहले ख़त्म कर देना है। सूरज निकलना तो 6:40 को जो हो रहा है सर्दियों में, तो बहुत बात, तो लोग समझते फ़र्ज़ है और कभी भी की जा सकती जब नींद खुले, जब सहर का टाइम है, और सहर करते हैं, पानी पीते हैं फिर सो जाते हैं। तो याद रखिए, सहर मुस्तहब है, सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है, शर्त नहीं है इबादत के लिए। लिहाजा अगर छूट जाए तो कोई मसला नहीं, अपना रोज़ा आप कंटिन्यू कर ले। ये अलग बात है कि आपको सेहत नहीं है, हालत नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, या ऐसी बीमारी है कि 12 घंटे तो भूखे रह सकते हैं लेकिन 18 घंटे नहीं रह सकते ना। रात में खाना खा के सोए ईशा के बाद, और कल खाएंगे ईशा के वक्त 7 बजे, तो बहुत लंबा वक्त हो रहा है ना, 18 घंटे, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर अल्लाह ने सेहत, तवानाई, तंदुरुस्ती दी है तो कोई ज़रूरत नहीं अगर सहर छूट जाए। लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ सहर छोड़िए, सहर करना बहुत अच्छा अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने जो है सहर में बरकत रखी है और सहर के बड़े फ़ायदे जो है बताए गए, ठीक है। तो लिहाजा आप सहर ज़रूर करें, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन छूट जाए तो कोई मसला नहीं, आप जो है रोज़े को कंटिन्यू करें। सहर कोई शर्त नहीं है या कंडीशन नहीं।